हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहनवाज क्रिएटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि शॉर्टकट्स क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे सेटिंग किया जाता है सैमसंग कीपैड के फ़ोन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखते रहिए सहनवाज क्रिएटर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। तो गाइज, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि शॉर्टकट्स क्या होता है, तो दोस्तों शॉर्टकट्स ये होता है कि आप जब भी किसी एक बटन पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाता है जो आपने शॉर्टकट्स में लगाई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया और गेम वाला ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों, आप इस टाइप की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने कीपैड के फोन में? तो दोस्तों, हमें शॉर्टकट सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो नंबर में शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं, मैंने अब बटन में गेम का ऑप्शन लगाए हुआ है, इसलिए मैं जब भी अब बटन पर क्लिक करता हूँ तो गेम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप इसी प्रकार से इन तीन बटन में, डाउन, लेफ्ट एंड राइट बटन में, आप कुछ भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इन तीन बटन में ऑप्शन सेट करके दिखाता हूँ। तो हमें सेट करने के लिए आपको डाउन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके लगाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसी प्रकार से इन दो ऑप्शन में भी सेलेक्ट करके लगा लीजिए। तो चलिए, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो गाइज, हमने इन चारों बटन के ऑप्शन में लगा दिया है, तो अब हमें कैंसिल कर देना है। तो गाइज, अब आप अब बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अब बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली गेम का ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने डाउन बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने लेफ्ट बटन पर क्लिक किया तो कैलेंडर का ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने राइट बटन पर क्लिक किया तो मैसेज का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपने कीपैड फोन का शॉर्टकट सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।